उसमें दिमाग ख़राब होता है। इतना फालतू सिस्टम है ना ये, बाइक को भी जाने को जगह नहीं मिल रहा। ट्रैफिक ने पूरी वाट लगा दी और एक बड़ा पोपट हुआ हमारा, पोपट डे आज पूरा हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीजी व्लॉग्स, और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। सो आई एम इन पुणे राइट नाउ। मैं जा रहा हूँ अभी रामदारा टेम्पल देखने के लिए, जो पुणे से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स की दूरी पे है। मेरे साथ में मेरा और एक राइड पार्टनर ज्वाइन करने वाला है, मयूरेश। तो हम लोग अभी शिवाजी नगर पे मिलने वाले हैं एंड वहाँ से आगे राइड कंटिन्यू करेंगे। जब मैंने मैप लगाया तो 1 घंटा 15 मिनट ऐसा कुछ तो दिखा रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। और मैप्स गूगल आंटी जो बोलती है जल्दी समझ में नहीं आता है, पहले लेफ्ट लो फिर राइट लो, फिर एक सिग्नल आगे निकल गए तो फिर से दूसरा रोड बताती है, उसमें दिमाग ख़राब होता है। देखो अभी इतना फालतू सिस्टम है ना ये, जहाँ से मैंने अभी राइट लिया था सिग्नल से, वहाँ से यू टर्न लेके भी मैं ये रोड को आ सकता था, लेकिन मैप के हिसाब से आया मैं तो पूरा दो दो गली घूम के आना पड़ा मुझे। काका शिवाजी नगर कुछ है, ब्रिज वरुण जाओ। कभी भी मैं कोई भी सिटी या गांव में जाता हूँ ना, वहाँ के लोकल्स को रोड्स पूछना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। सो मयूरेश इज हियर, और अभी हम लोग जा रहे हैं रामदारा टेम्पल। इसको और मुझे मिलने के लिए ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट मैप ने घुमाया। ये मेरे आगे था, मैं इसके पीछे था, एंड सारा मिसकम्युनिकेशन हुआ, लोकेशन इधर उधर हो गया, इसके लिए फिर टाइम गया। और कहते हैं कि वो मंदिर 5 बजे बंद होता है, अभी 4:30 बज रहे। मैप लावला है का? बाइक को भी जाने को जगह नहीं मिल रहा, और मयूरेश आगे निकल गया है, मैप उसने लगाया है और मुझे अभी रास्ता नहीं मालूम। वाओ। तो अभी अपडेट ऐसा है कि 5:08 हो रहे हैं, 5:30 मंदिर बंद हो जाता है, और हम लोग पेट्रोल पंप पे खड़े रह के डिस्कस कर रहे हैं कि आगे का प्लान क्या करें, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए ऑलमोस्ट कितना, 1 घंटा लगेगा। तो कोई मतलब नहीं है जाके, ट्रैफिक ने पूरी वाट लगा दी। ऑप्शंस है हमारे पास, लेकिन मेन प्रॉब्लम वही है कि ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, और लेके सब चलना मतलब इरिटेट हो जाता है एक मोमेंट के बाद, इसके लिए अभी आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन 10-15 मिनट वेस्ट करने के बाद हम लोग ये कॉन्क्लूजन पे आए कि हम लोग जा रहे हैं अभी सारसबाग। पूरा दिन है अपने पास और तो यूटिलाइज होना चाहिए, इसके लिए फिर सारसबाग ही जा रहे हैं, और क्या। यहाँ के रूट्स बड़े कन्फ्यूजिंग है और गूगल मैप्स हमको टॉर्चर कर रही है, लिटरली टॉर्चर कर रही है। पहले सीधा जाओ, फिर अंदर जाओ, और फिर से सेम रूट पे लेके आती है। जाना था वो मंदिर देखने के लिए, सनसेट देखने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो फ़ोटोज़ देखे थे वो बहुत सुंदर थे, लेकिन मयूरेश के कोई दोस्त सुबह ही गए हैं वहाँ पे, उनसे जब पूछा तो वो बोले कि बहुत गर्दी है यहाँ पे, तो आके अभी मतलब नहीं है क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है अभी, फिर मतलब नहीं था, इसके लिए फिर गए नहीं हम लोग। पहुँच गए सारसबाग। ओह नाइस एरिया। अरे 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 अरे, आज संडे है तो इसके लिए इतना क्राउड है। काय चल पूरे चल। बाबा घोड़ा लात मारेगा, किधर का किधर जाऊंगा मैं। ए भाई भाई भाई, अरे पण आपल्याला जायचं कुठे, इथे आहे का इकडे आहे? अच्छा ओके। और एक बड़ा पोपट हुआ हमारा, सारसबाग भी 5 बजे बंद होता है, और 40 रुपए की बस एक वड़ा पाव मिल गया, बाकी कुछ नहीं मिला। नाइस, पोपट डे आज पूरा हमारा। हम जिधर भी 5 बजे बंद करने का रीज़न नहीं समझ रहा है, लेकिन मुझे इतने जल्दी क्यों बंद करते, इतनी क्राउड है, लेकिन 5 बजे बंद करके क्या मिलता है इन लोग को समझ में नहीं आता। आप चलो अभी अभी नेक्स्ट प्लान क्या है सर,
वड़ा पाव खाने की बात होती है। वड़ा पाव खाओ, गाड़ी निकालो, घूम सकते बस, गाड़ी निकालो, घर पे जाके सो जाओ, अभी और कुछ नहीं कर सकते। इसमें बैठना है क्या किधर? अरे इतना गर्दी देख के मुझे लगा कि भाई चालू रहेगा, उधर जाके हम लोग टिकट का प्राइस पूछने गए, वो बोल रहे बंद हो गया सर, सॉरी। अरे चलो अभी हम लोग जा रहे हैं जे एम रोड में कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर घर पर। तो ड्रोन गार्डन पे दोन गार्डन का दिला है मागून। दो घंटे घूमने के बाद फाइनली हम लोग अभी जेएम रोड पे आए हैं और यहाँ पे चिल करेंगे। बैठने के लिए अच्छी खासी जगह है, बाइक वहाँ पे पार्क है, पीछे गार्डन है, लेकिन गार्डन में जाने का ही नहीं आ रही। काय बोलतो, काय बोलतो, तुम ही बोलता, काय बोला, काय बोलाय सर, प्लॅन सगळे फ्लॉप झालेत आपले। सो वेल प्लॅन ठेवायला पाहिजे आपले प्लॅन। अरे यार अगर मालूम रहता ना 5 बजे तक सब खुला है यहाँ पे, बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस बोलो या फिर गार्डन जैसे सारस बाग है, तो फिर हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर होके आते थे। बट ठीक है, पुणे दर्शन हो रहा है हमारा धीरे धीरे रास्ते लेकिन रास्ते मालूम पड़ने की वजह कन्फ्यूजन और बढ़ रहा है हमारा रास्तों का कि ये कौन सा किधर जा रहा है। बट कोई नहीं, ये भी एक्सपीरियंस लेते रहो, दिन वेस्ट नहीं जा रहा है हमारा, सिर्फ हम लोग बाइक लेके घूम रहे हैं पुणे में, और तो कुछ है नहीं, बस और क्या, यही है ज़िंदगी हमारी। चलो मिलते हैं, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, थैंक्स फॉर गाइडिंग मी, और तेरा भी टाइम गया, मेरा भी टाइम गया। थैंक यू बोथ ऑफ अस फॉर इक्वली मेकिंग द प्लान। काय करणार आपण, आपल्याला एवढं माहिती आहे। हां ते तो होतं, कोई नहीं, यस नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम बोलत बोलत खूप नेक्स्ट टाइम होत आहे। यस यस, देखो वो कहते हैं ना, गलती हम इंसान के जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना अधूरा हर एक किस्सा है। आज राइड पे जाने से पहले मेरी एक गलती हुई कि मैंने रामदरा मंदिर और सारस बाग के टाइमिंग्स चेक नहीं किए थे, जिसके वजह से हम दोनों को थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस था हमारे लिए और एक नई सीख मिली कि अगर कहीं पर भी हम लोग नई जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ की जानकारी पूरी पढ़ ले। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको पॉजिटिव वे में लेके मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।